हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं डीबैप के एक ऐसे मोबाइल फ़ोन की जिसमें आपको जो है बिना इंटरनेट कनेक्शन वाला टीवी मिलता है, यानी कि आप लाइव टीवी देख सकते हो बिना इंटरनेट के, यहाँ पर एफएम प्ले कर सकते हो। साथ में यहाँ पर जो बैटरी दी गई है, शायद आपको अभी तक किसी भी स्मार्टफोन या किसी भी मोबाइल फ़ोन में इतनी बड़ी बैटरी नहीं मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने हैं डीवैप के इस मोबाइल फ़ोन की, जो कि मैंने परचेज़ किया है banggood.com से और मुझे यहाँ पर कोई भी कस्टम चार्जेस वगैरह नहीं पे करने पड़े हैं और फ़ोन का जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है, केवल जो है 2200 रुपये इसका फ़ोन का प्राइस है। और आप भी अगर इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो जो फ़ोन का बॉक्स है वो काफ़ी सिंपल सा बॉक्स है, बॉक्स पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, कहीं भी आप देख लीजिए कुछ भी यहां पर मेंशन नहीं है। और यहां पर डीवैप की ब्रांडिंग है, IMEI नंबर लिखा हुआ है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कैसा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ोन दिख रहा होगा, तो इसे ओपन कर लेते हैं और जो भी एसेसरीज है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये है आपका डीवैप का मोबाइल फ़ोन, उसके साथ में आपको एक चार्जिंग केबल दी गई है जो कि आपकी एक नॉर्मल USB केबल है। उसके बाद बॉक्स के अंदर मिलेगा आपको डीवैप का ये मिल्ट्री मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन काफ़ी मोटा है, यहाँ पर देख सकते हैं, और बिल्कुल जैसे मिल्ट्री का स्मार्टफोन हो या मिल्ट्री का मोबाइल हो, कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है वॉकी टॉकी जैसा। उसके बाद यहाँ पर एक अडैप्टर मिलेगा आपको, ये अडैप्टर इसलिए दिया गया है ताकि जो इसके साथ जो चार्जिंग अडैप्टर आपको दिया गया है वो यहाँ पर चाइनीज़ वेरिएंट है, यानी कि जो पिन वहाँ पर आपको दी गई वो इंडियन जो सर्किट्स हैं वहाँ पर नहीं लगने वाली हैं। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं और इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो इंडियन सर्किट आपको मिलते हैं वहाँ पर फिर अपने चार्जर को आप लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से पिन यहाँ पर मिलती है। और रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर 5V 1A इसकी आउटपुट रेटिंग है इस चार्जर की। तो यहाँ पर इस अडैप्टर को आप लगा सकते हैं और उसके बाद आप जो है इंडियन सर्किट में इस अडैप्टर को लगा सकते हैं और अपने मोबाइल को यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पर कुछ ये दो अडैप्टर मिल जाते हैं, एक आपका चार्जिंग अडैप्टर मिल जाता है, उसके बाद USB केबल और जो आपका यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है डीवैप का मिल्ट्री मोबाइल फ़ोन वो आपको दिखता है। पीछे की तरफ काफ़ी बड़ा स्पीकर यहाँ पर आपको मिल रहा है, आप देख सकते हैं, और इसकी जो वॉइस है वो काफ़ी लाउड है, वो मैंने चेक किया। ऊपर की तरफ टॉर्च लाइट दी गई काफ़ी बड़ी और यहाँ पर एक टॉर्च के लिए बटन दिया गया है। फिलहाल मैंने जो है बैटरी से अभी जो है वहाँ पर जो सील लगी हुई वो नहीं हटाई है, तो ये टॉर्च के लिए बटन दिया हुआ है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको जो देखिए USB के लिए पोर्ट दिया गया है ताकि आप जो है अपने किसी भी स्मार्टफोन या किसी भी मोबाइल को जो है चार्ज कर पाओ, यानी कि ये पावर बैंक के रूप में भी काम करने वाला USB पोर्ट यहाँ पर दिया गया है इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए, जबकि एक्सटर्नल चार्जिंग के लिए भी यहाँ पर एक पोर्ट आपको मिल जाता है। तो फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यहाँ पर स्टाइलिश बनाया गया है, बिल्कुल जैसे मिलिट्री का फ़ोन हो कुछ ऐसा ही ये लगता है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको कैमरा भी दिया गया है 1 MP का, और स्पीकर जैसा कि मैंने बताया काफ़ी बड़ा स्पीकर है, और जो यहाँ पर डिस्प्ले साइज़ आपको दिया गया वो 2.8 इंच का डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है। तो यहाँ पर बैक पैनल हमने हटा दिया है और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बैटरी आप देखेंगे 13,800 mAh की बैटरी यहाँ पर मिलती है, काफ़ी थिक बैटरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई। जो पावर बैंक आते हैं वो भी यार 10,000 mAh तक के आते हैं, 5,000 mAh तक के आते हैं, और यहाँ पर आपको 13,000 mAh की बैटरी मिल रही है इस फ़ोन में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप इसका यूज़ काफ़ी दिनों तक कर सकते हैं, कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं कि आपको वहाँ पर चार्जिंग पोर्ट वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो इस फ़ोन का इस्तेमाल वहाँ पर आप काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर आपको एक एंटीना भी दिया गया है क्योंकि इसमें आपको एनालॉग टीवी मिलता है, अगर आपके एरिया में एनालॉग टीवी के सिग्नल आते हैं तो किसी भी कंट्री के चैनल आप वहाँ पर देख सकते हैं इसकी सहायता से। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंट्री के लाइव टीवी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ़ोन को फिलहाल ऑन करते हैं और देखिए, फिलहाल हमने फ़ोन ऑन किया है तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो फिलहाल इसके जो फीचर्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ऑन होने के बाद में। तो फिलहाल यहाँ पर जो है हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, सिम मैंने अभी नहीं लगाए हैं क्योंकि मेरे पास जो है अभी सभी नैनो सिम हैं और इसमें जो आपके पुराने वाले जो पूरे के पूरे सिम कार्ड होते हैं तो वो आपको लगाने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैंने सिम कार्ड इंसर्ट नहीं किए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर जो बैटरी का आइकन आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो काफ़ी बड़ा आइकन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी बैटरी दी गई, तो आइकन भी यहाँ पर जो बैटरी का दिया गया है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है। यहाँ पर आपको टाइमिंग देखिए, आप देखिए जो बैटरी का आइकन है कितना बड़ा यहाँ पर दिया गया है। मेनू बार में जैसे आपको पहले जो फीचर फ़ोन आते थे कुछ उसी तरह का मेनू बार यहाँ पर आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो देखिए यहाँ पर जो है मोबाइल टीवी का ऑप्शन मिल जाता है, FM रेडियो का ऑप्शन मिल जाता है,
वो भी यहाँ पर आपको एंटीना प्रोवाइड किया गया, आपको किसी एक्सटर्नल जो है वायर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यहाँ पर आप किसी भी कंट्री के लाइव टीवी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये फ़ोन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। देखिए टॉर्च की जो इसकी जो रोशनी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है जो दूर दराज वाले इलाकों में रहते हैं या कहीं बाहर जाते हैं और मतलब काफ़ी दिनों बाद घर लौट के आते हैं, तो उनके लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव टीवी, टॉर्च, एफएम रेडियो, काफ़ी बड़ी बैटरी जो कि दूसरे स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकती है। और इसका जो आवाज़ है वो यहाँ पर काफ़ी लाउड है, यानी कि आप म्यूज़िक वगैरह भी सुनते हैं तो आपको किसी एक्सटर्नल ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी लाउड साउंड यहाँ पर दिया गया है। देखिए मैं आपको जो है अपना स्मार्टफोन इस फ़ोन की सहायता से चार्ज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि हाँ भाई इस फ़ोन से आप किसी भी दूसरे स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपना जो Redmi Note 4 है वो इससे चार्ज करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो देखिए Redmi Note 4 में मैंने अपना केबल जो है लगा दिया है और आप लोगों के सामने केबल है, बिल्कुल आपके सामने है सब कुछ। अब मैं इस पोर्ट को जो है यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ। तो फिलहाल आप देखेंगे कि अभी देखिए हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको जो है मीनू बार में से जाके जो हमारा ये D-Wrap का फ़ोन है यहाँ पर आपको एक फ़ीचर मिलता है कि आप ऑन ऑफ कर सकते हैं पावर को, तो मैंने अभी ऑफ़ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पावर का ऑप्शन मिलता है, ओके करेंगे तो यहाँ पर ऑन लिखा हुआ आ रहा है, तो ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपका जो स्मार्टफोन है वो चार्ज होने लग जाएगा। तो फिलहाल मैं ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने पावर ऑन की है और हमारा जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ज होने लग गया है। और मैं आपको जो है होम स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ आपको देख सकते हैं 23% हमारा फ़ोन चार्ज हुआ है। एक बार मैं आपको जो है ऑफ़ करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऑफ़ किया तो दोबारा से ऑन किया तो दोबारा से चार्ज होने लग गया। तो यार काफ़ी अच्छा फ़ोन है, केवल 2200 रुपये में आता है और इसके लिए आपको कोई कस्टम चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। और जब आप ऑर्डर करेंगे Banggood.com से तो वहाँ पर आपको जो डिलीवरी सर्विस सेलेक्ट करनी वो आप एयर पार्सल सेलेक्ट करेंगे या EMS एक्सप्रेस डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको जो DHL वगैरह वो सेलेक्ट नहीं करने हैं, कुरियर वगैरह वहाँ पर कोई भी सेलेक्ट नहीं करना है, वहाँ पर आपको कस्टम चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो आप या तो एयर पार्सल सेलेक्ट करना या EMS एक्सप्रेस डिलीवरी वो आप वहाँ पर सेलेक्ट करना। तो दोस्तों अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।